नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने जिला पंचायत प्रांगण में कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने सहकारी समिति के सभी कर्मचारियों को नियमित किए जाने, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ता दिए जाने और इसके साथ ही शासन के द्वारा पीडीएस का जो राशन काटा गया है उसका तुरंत आवंटन किए जाने और कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने जिले के दौरे पर आए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को भी ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि अध्यक्ष प्रदीप परमार ने ज्ञापन के बाद मांगे पूर्ण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो नहीं बांटा जाएगा राशन और यह हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। अगर हमारी बात न मानी नहीं बटेगा राशन पानी। अगर हमारी बात न मानी नहीं बटेगा राशन पानी। अगर हमारी बात न मानी नहीं बटेगा राशन पानी। अगर हमारी बात न मानी नहीं बटेगा राशन पानी। जिंदा यूनियन जिंदाबाद। जिंदा यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पहली मांग है हमारी, दूसरी मांग है हमारी कर्मचारियों जो वितरण वाली मांग है, जो उसमें आवंटन पीडीएस में जो कटौती हो रही है, क्या है 50% जो दे रहे हैं और 50% में वितरण कैसे होगा, 100% वितरण कराना चाहते हैं तो हमारे कटौती हो रही है। ये कटौती कम से कम 3 से 4 महीने से कटौती बराबर चल रही है, इसलिए हमें आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। सहकारिता मंत्री जिले के दौरे पर हैं, आपने उन्हें अवगत कराया? हाँ, आज मैंने उनको ज्ञापन दिया है, अपनी बात रखी है, तो सहकारिता मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगे जो है उचित मांग है वो हम आपकी पूरी करेंगे। आपके कुछ कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है? हाँ, वो मैंने कहा था मेरे कर्मचारियों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो वापस ली जाए। अगर आपकी मांगे मांगी नहीं जाती है तो फिर आगे क्या? तो मेरा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, शामों को इस्तीफा देंगे।